आजकल हर सोशल नेटवर्किंग साइट से लेके हर इंसान की जुबान पे सिर्फ कोरोना हो है और हो भी क्यों ना, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है जिसमें अगर हम थोड़ा सा चूक कर गए तो खुद की जान तो जोखिम में डालेंगे और न जाने कितने हजारों लोगों की जान ले बैठेंगे, लेने के हम जिम्मेदार बन जाएंगे। इसलिए सावधान, सतर्क और संयमित रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदनी जियो में। मैं हूँ नंदनी। कोरोना वैश्विक महामारी बन चुका है, पूरे विश्व चपेट में है और भारत की भी हालत बहुत अच्छे नहीं है। भले तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंचा है लेकिन हालात अच्छे भी नहीं है। 5,000 से ऊपर संक्रमितों के हाल की कुल संख्या जा पहुंची है। तो इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से खुद भी यही कहना चाहूँगी और मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि जितना हो सकता है एक सकारात्मक माहौल बनाओ और लोगों को एक सकारात्मक संदेश दो, लोगों को समझाने की कोशिश करो, बजाय कि अफवाह करने पे ध्यान देने की बजाय कि हम किसी तरह की राजनीति में पड़ेंगे। इस चीज़ को याद रख लो, अगर राजनीति में लोग नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो हार या जीत लगी रहती है। जो जीत गया तो ठीक है, हार गया तो 5 साल बाद फिर मौका मिल जाता है। अगर हम इस कोरोना नामक लड़ाई को हार गए तो हम जिंदगी हार जाएंगे, दोबारा हमें ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सिर्फ अपनी नहीं, हम कितने लोगों की ज़िंदगी लेने के लिए जिम्मेदार बन जाएंगे और फिर हम पता नहीं सिर्फ खुद अपनी ज़िंदगी हम कितने हजारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी लेने के लिए हम जिम्मेदार बन जाएंगे। ये राजनीति नहीं, कोरोना है, इसे हमें स्वतः थोड़ा सावधानी से ध्यान रखना, थोड़ा सतर्कता से और दिमाग से अच्छे सोच के साथ। बहुत सारे गंदे तरीके के लोग, अभी मैं सर को यही कहूँगी, ना गंदी पत्रकारिता करने का टाइम है, ना गंदी तरह की राजनीति करने का टाइम है, ना सोशल नेटवर्क साइट पर गलत संदेश देने का टाइम है। अभी सिर्फ और सिर्फ सही सकारात्मक रास्ते, सही दिशा पे और सकारात्मक सोच के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं पे हमें किसी तरह की दिक्कत है या कुछ भी है तो आप प्रशासन को, पुलिस को इन्फॉर्म करो, बजाय कि राजनीति करने की, उसकी बुराई करने की। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि अगर एक्सटेंड करना पड़े, आगे अगर इसको बढ़ाना पड़ता है, अगर बजट कम पड़ेगा और बढ़ाएंगे करके पे भी वो विचार करेंगे। लेकिन गंदी तरह की राजनीति करने वालों को मैं यही बोलूँगी कि सबका हौसला बढ़ाओ, सब अपने, कोई नहीं चाहेगा कि जनता मर जाए। मैं तो सीधे से यही बात करूँ, सारे मुख्यमंत्री, सारे सरकार, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि हमारे यूपी योगी जी के हाथ में है, तब भी हम संभल पा रहे। सारे और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बजाय उनकी बुराई करने के, बजाय हम वो राजनीति करके उनके बुराइयां निकालने के बजाय एक उनको सुझाव दें, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचने की कोशिश करें। राजनीति में दोबारा चांस मिलता है, ये ज़िंदगी अगर चले गई तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, एक जिम्मेदार पेशे की तरफ पेश आओ। जो भी पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो यहाँ पे भी घटिया तरह की पत्रकारिता करते हैं, गलत तरह के वीडियोज़ को वायरल कर रहे तोड़ मरोड़ के। मैं उन पत्रकारों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर लोग मर जाएंगे तो तुम्हारी पत्रकारिता फिर कहाँ चलेगी, तुम्हारी पत्रकारिता की दुकान फिर कहाँ चलेगी। बहुत सारे देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे पत्रकार आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, ये सारे राजनीतिक लेवल पे जो वो करने के चक्कर, और हमारे आसपास में जितने भी हैं मुस्लिम सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरह के भी हैं जो गलत मानसिकता के साथ हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। तबलीगी जमात इसका ताजा उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी बजाय हम किसी की बुराई करने के उन्हें हम सहयोग दें, सिर्फ बुराई ना करें उनकी तारीफ भी करें। सब अगर आपको शिकायत है तो उनके पास जाके करो, सुझाव दो,
बजाय बुराई करने के। अभी मैं मुझे नहीं लगता सा, और इतने बड़े देश, भारत वर्ष ऐसा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मैं तारीफ करूंगी सभी हमारे हमारी भारत सरकार की, इतनी बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई है। और हमारे राज्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रशासन वाले हैं, जितने हमारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर काम होगा तो निश्चित रूप से लंबी सही हम इस लड़ाई से बाहर निकल जाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे सहयोग के साथ। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगी कि उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ। सोशल नेटवर्क साइट पे अगर किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ती आती है तो उसको फॉरवर्ड मत करो, और ना उस पर ध्यान दो। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी करो, ताकि वो अच्छा काम और करते रहें, ताकि हम इस परेशानी से जल्दी बाहर निकल जाए। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुतों को दिक्कत हो रही होगी, बहुतों को समस्या हो रही, कहीं तक खाना नहीं मिल रहा होगा, इतनी कोशिशों के बाद भी रह जा रहे होंगे कई लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा देश तपोभूमि है, व्रत करना तो हमारी आदत। जब हम 8-9 दिन के व्रत ऐसे ले लेते हैं, बहुत सारे निर्जला व्रत रखते हैं, तो वही साधना ये भी है। बजाय गलत अफवाहों में ध्यान देने से सही दिशा में सोचो। अगर किसी को चीजें नहीं मुहैया हो पा रही है तो आप प्रशासन को बोलो, आप पुलिस को बोलो। नोएडा को आज रात से टोटल सील करने की बात हमने सुनी है कि वहां 12 बजे के बाद हमारे यहाँ यूपी में पूरा सील कर दिया जाएगा। तो वो सारे डोर स्टेप आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, हम पुलिस हमें सारी सुविधा घर पे लाके देगी। ये सिर्फ हमें हम लोगों की जान बचाने के लिए हो रही है। इतनी मुस्तैदी से जो लोग काम करें तो हमें उनका साथ देना ही चाहिए ना, बजाय हम गलत मानसिकता के शिकार हो जाए, गलत लोगों की बातों में आ जाए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी की बात मत सुनो, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो उसका ध्यान रखो। बाहर से आने के बाद हाथ को अच्छे से धोवा, संयमित रहो, संयमित रहेंगे तो निकल जाएंगे। अगर घबराएंगे तो हम सब मरेंगे। इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। हर हर राज्य सरकार, हर जिले वाले और भारत सरकार सब कोशिशों में लगे हैं कि कोई जनता परेशानी न और मैं ना रहे परेशानी में। हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ना, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले इसमें कहीं कहीं दिक्कतें आ रही होगी, परेशानियां हो रही होंगी, तो उसको इतना बड़ा बवंडर नहीं बनाना चाहिए। उसको बवंडर बनाने के बजाय उसको सुलझाने का काम करो। और कुछ घटिया तरह के पत्रकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन घटिया तरह के पत्रकारों को ये नहीं पता कि हमारी पत्रकारिता कैसे चलेगी अगर यही लोग मर जाएंगे तो। और उनकी पत्रकारिता से, उनकी जिस तरह के वीडियो जो दे रहे हैं लोग, तो अफवाह से बहम से ज्यादा पहले मर जाएंगे। तो इस तरह के घटिया तरफ के जो पत्रकार हैं, इनकी ना बात सुनो ना इनकी वीडियोस देखो। सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। कोई भी दिक्कत है तो आप पुलिस को कॉल करो, पुलिस से मदद लो, और सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। जिस तरह से होता है, अगर हर तरह से पुलिस सहयोग देने के लिए तैयार बैठी है, सस्ता काम कर रही है, RSS काम कर रही है, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे मदद कर रहे हैं। मैं मानती हूँ किसी को, चलो नहीं मिला, किसी को दिन में 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा, एक ही टाइम मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, जिंदा तो है ना। तो मैं एक ही बात कहूंगी, खाना खा के बिना खाए कोई नहीं मिलता। मैंने हमारे यहाँ ये किस्सा है कि ज्यादा खाने से ओवर ईटिंग कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। जब से ज्यादा खा लेते हो तो वो नुकसान कर देता है, लेकिन ज्यादा भूखापन नुकसान नहीं करता। हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े मिलके, हमें उसमें सरकार का साथ देना है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अपने देश के लिए। हमें राष्ट्रीय एकता का प्रमाण देना है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ें और उस दुश्मन से लड़ के हमें बाहर निकलना ही है। तो इससे हमें अपने विवेक और अपने दिमाग से काम लेना है, संयमित रह के काम लेना है।
नमस्कार बाकी अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में जो घंटी एक्स में इसके प्रेस करना ना भूलें आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। नमस्कार।